रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2.5 महीने से जंग के बाद अब रूस ने बेहद आधुनिक हथियार को मैदान में उतार दिया है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बुरी तरह घबराई रूसी सेना ने अब नेक्स्ट जेनरेशन लेजर हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया है। रूस के मुताबिक उनकी सेना पिछले कुछ दिनों से युद्ध में लेजर हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही पेरिसविट नाम के एक और खतरनाक लेजर वेपन के सफल परीक्षण का दावा किया है, जो ड्रोन और सैटेलाइट के लिए बड़ा खतरा बन गया है, जो रेडिएशन का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को अंधा कर सकता है। डिप्टी पीएम यूरी बोरिसोव ने दावा किया कि पेरिसविट सिस्टम के परीक्षण के दौरान 5 किलोमीटर दूर तक एक ड्रोन को ध्वस्त किया गया। दरअसल इस युद्ध में यूक्रेन को पश्चिमी देशों ने ड्रोन समेत कई ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार दिए हैं, जिन्होंने रूसी सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई है। यूक्रेनी ड्रोन ने सैकड़ों की तादाद में रूसी टैंकों, एयर डिफेंस सिस्टम और आर्म व्हीकल्स को निशाना बनाया है। आइए अब जान लेते हैं पेरिसविट की खास बातें। इस घातक हथियार का रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी जिक्र कर चुके हैं। ये नाम ऑर्थोडॉक्स योद्धा भिक्षु अलेक्जेंडर पेरिसविट के नाम पर रखा गया है। लेजर हथियार का रूसी सेना में इस्तेमाल किया जा रहा है। धरती से 1500 किलोमीटर ऊपर के उपग्रह पर हमला करने में सक्षम है। लेजर रेडिएशन के चलते हवा में ही ध्वस्त करने की क्षमता है। उधर पश्चिमी देशों के मुताबिक अगर रूस के डिप्टी पीएम का दावा सटीक है तो यूक्रेन के साथ चल रहे इस युद्ध के बीच पेरिसविट लेजर वेपन यूक्रेन के लिए चिंता का सबब बन सकता है। बहरहाल इन एडवांस हथियारों के इस्तेमाल से युद्ध रोकने की कवायद में जुटे देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।